नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट में। दोस्तों, किसान मैं हर वीडियो में बताता हूं कि किसान अपने बच्चों को खेती बाड़ी या पशुपालन के काम के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उसका बेटा कहीं ना कहीं जाके नौकर बने, नौकरी करे, लेकिन नौकर नौकर होता है। लेकिन कुछ समझदार युवा, समझदार पशुपालक, समझदार किसान ही अपने बच्चों को चाहेंगे कि उस लाइन में आगे बढ़ें, और जो चाहते हैं उन्होंने एक बड़ी मिसाल भी खड़ी की है। ऐसे ही पशुपालन के काम में सुरजीत मलिक जी का काफ़ी अच्छा नाम है। ये कई सालों से, मतलब इन्होंने अपना सारा जीवन, सारा समय पशुपालन को ही दिया है, और ये चाहते हैं कि मेरा लड़का भी पशुपालन का काम ही करें, और इसकी रुचि के साथ में इन्होंने देखा कि इसकी रुचि भी है। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, बच्चे के बारे में पूछते हैं कि कैसे, क्यों अपने बच्चे को ये इस लाइन में डालना चाहते हैं, या क्यों इसके इनके लड़के का इंटरेस्ट है। चंद्र जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं आपको आज युवा ब्रीडर से मिलाना चाहता हूँ। हाँ जी, मैंने इसको बचपन से, मैं इसको डॉक्टर विजयंत मलिक बोलता हूँ, डॉक्टर विजयंत मलिक। तो एक बार ये मेरे साथ तालाब पे जा रहा था भैंस, लेकिन है हाँ जी साथ साथ, तो तालाब पे जाना मेरी हॉबी है, मैं लेबर में बेचता खुद जाता हूँ। ठीक है। तो ये मैं 4 साल का था, और ऐसे ही साथ में एक छोटा काफन रहता, तो उसको डायरिया हो गया, तो इसने इमिडिएटली मेरे पास आए तुरंत, और पापा देखो इसको डायरिया है, इसको दवाई देना। नहीं, इतने छोटे बच्चे को डायरिया से क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को देखते हुए तो मैंने सोचा कि इसको, यदि इसका इंटरेस्ट ऐसे ही रहता है तो इसी फील्ड में बनाएंगे, ये मेरे से ज़्यादा बेटर कर सकता है, क्योंकि जो छोटी उम्र में जो ट्रेन हो जाते हैं वो बहुत उस फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। मैं भी इसमें काफ़ी टाइम बाद लेट लगा था, वैसे तो बचपन से लगाना शौक रहा है, पर मेरे को गाइड करने वाला था, मेरे को तो इस गांव से घर वाले दूर भगाते थे। हाँ जी। विरोध करते थे, मैं तो लड़की इस काम में आता, लेकिन मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूँ इस काम के अंदर, इसके इंटरेस्ट को देखते हुए। और मैं खुद BA बी एड मैथमेटिक्स, MA इंग्लिश, उसके बावजूद मैंने कभी जॉब पसंद नहीं करी, और आराम से अपनी दाल रोटी खा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो सर, आप एक तो इंटरेस्ट की बात हो गई है, दूसरा आप क्यों, क्या इस लाइन में कोई स्कोप है, या फिर क्यों आप अपने बच्चे को इंसिस्ट करना चाहेंगे इस लाइन में काम करें। नंबर एक तो इसका इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरा इसके आने वाले समय के अंदर आप कुछ डिफरेंट करो ना, अपने प्रोफेशन से जो आप जुड़ रहे हो आप उसको और लोगों से बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। हाँ जी। ये हो सकता है जो मेरे से ब्रीडिंग का काम अधूरा रह जाए, जैसे मैंने बताया था मैं 35 किलो की भैंस करना चाहता था, मेरे से जो काम अनकम्प्लीट रह जाए, हो सकता है उसको ये पार लगा दे। बिल्कुल। इसके लिए ब्रीडिंग के लिए काफी लंबा टाइम चाहिए। ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, आज एक भैंस को हम मीटिंग करवाते हैं, मैंने पहले ही बताया वीडियो में, हो सकता है कटड़े कटड़े लेते रहे, या कटड़े लाए तो कोई बाई चांस लाइज का काम कटड़े कुछ आफत आ जाए, तो इसमें समय बहुत सपेंट हो जाता है, उसके बाद जाके हमारे कुछ हाथ लगता है, तो उस काम को प्रॉपरली आगे बढ़ाए, और इसलिए मैं इस किस्म डालना चाहता हूँ। तो सर, आप अपने लड़के को इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। बेटा, नाम क्या आपका? माय नेम डॉक्टर विद्यंत मलिक। डॉक्टर विद्यंत मलिक, सर ने बताया कि अभी डॉक्टर नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं। एट्थ स्टैंडर्ड में हैं, इसके बावजूद अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं। तो सर, इनका क्या, किस तरीके से, क्या ये डॉक्टर लाइन में, मतलब एनिमल के बारे में जानकारी लेके, वेटनरी के बारे में जानकारी लेके फिर इस लाइन में काम करेंगे? अभी उस फील्ड में इसको प्रैक्टिकली इतना हो जाएगा। हाँ कि अच्छे अच्छे डॉक्टर से ज़्यादा अनुभव हो जाएगा इसका। ठीक है। अभी कल ही मेरे पास किसी वैज्ञानिक का फोन आया कि आप परचेजिंग के टाइम पे क्या क्या मेजरमेंट देखते हो, कैसे पशु परचेज करते हो, तो कैसे उसकी आप, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वैल्यू कैसे आप उसकी वैल्यूएशन करते हो, बिल्कुल किस किस फीचर से, तो जब उनको नॉलेज नहीं है वो हमारे से पूछते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। ठीक है। तो मैं अभी जब परचेजिंग करने जाता हूँ या डीजी जाती है, तो हर चीज़ के ऊपर इसका फोकस कराता हूँ, बेटे IV कैसे लगा जाता है, कौन सा एरिया में इंजेक्शन लगा जाता है, जब परचेजिंग करते हैं तो टीट का ट्रेट गैप कितना होना चाहिए, मिल्क वेन कैसे होनी चाहिए, टेल कैसी होनी चाहिए, तो इसको जो बंदा आज 10 दिन 15 दिन मेरे पास ट्रेनिंग में कर लेगा, उससे ज्यादा अनुभव इसको आज है। आज है, सही है। आम जो फार्मर है ना, आम फार्मर, उनसे ज्यादा अनुभव भैंस के बारे में इसको आज है। जैसे मैं भैंस परचेज करके लेता हूँ, बाई चांस मेरे साथ नहीं गया, स्कूल में जा रहा है, तो ये अंदाजा वैल्यूएशन कर देता है, पापा इतना रेट की आई होगी, इतने रेट, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सर, मैं तो ये जानना चाहूंगा, अभी ये वेटनरी डॉक्टर की तरफ ट्रेनिंग लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे, इसके पहले इसकी कंप्लीट शिक्षा कराएंगे। ठीक है। शिक्षा तो देखो बहुत बड़ा जीवन का माध्यम है, माध्यम, और ये आदमी की ताकत को एहसास कराती है,
ठीक है। अब मैं इतनी जो मेरे अंदर ताकत है, मैं किसी के प्रति आपको पता है बोल देता हूँ, आज भी बोलने वाला था, चलो टॉपिक अपने नहीं छोड़ा, सिर्फ वो एजुकेशन ही तो है जो हमारे को फैसले लेने में हमारे को स्ट्रांग बनाती है, जो हमने डिसीजन ले लिया, डिसीजन पावर के लिए एजुकेशन ली जाती है। ये नहीं है कि हम बहुत सारी एजुकेशन ले लो उसके बाद भी डिसीजन हमारे दूसरे लेते हैं, तो फिर एजुकेशन किस काम की हो? सेल्फ डिसीजन आप लो, जिंदगी जीना सीखो आप, दैट इज द एजुकेशन। लेकिन दुनिया का एजुकेशन के प्रति क्या नजरिया है? एजुकेशन मीन जॉब। बिल्कुल, यदि आपने एजुकेशन ले तो आपने कागज पिटने हैं, दूसरे का अधीन होगी नौकर बनना है, और नौकर नौकर होता है, चाहे IAS है वो भी नौकर है, बिल्कुल सही है, 101 पर वो भी नौकर है तो नौकर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसको एक अच्छी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन इसको हम देंगे, लेकिन उसके बाद डिपेंड भी इस पर करता है। जहाँ तक इसका है तो मैं इसका देख रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट काफ़ी इस फील्ड में है। मैं इसको जनरली जो किसान करते हैं, किसान अपने बेटे को कभी किसान ही बनाना चाहता, भगाता है दूसरे काम में, किसी का नौकर बन जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अच्छा उनका जुगाड़ होते हुए 50 किले के लैंड लोड मेरे गाँव में है, फिर भी उनकी सोच ये है कि हमारा बेटा JBT लाग जाए, मारा बेटा बेलदार लाग जे, बिल्कुल, तो उनमें अकल है कहाँ पे? बिल्कुल, हरे दो वक्त की रोटी खाने कम से कम 100 बीमारी की तो खाओ। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। भविष्य में हम छोटे डॉक्टर की भी वीडियो कवर करेंगे, जब भी अपनी पढ़ाई करेंगे, अगर हम आ पाए इनके यहाँ पे, अगर रुक पाए रह पाए तो इसकी मतलब सृष्टि में प्रकृति को पता नहीं क्या मंजूर होगा। तो एक बार बच्चे जान लेते हैं, बेटा आपकी रुचि कितनी है इस लाइन में? अभी तक तो पूरी रुचि इसके अंदर 100% है, आगे भी 100% रहेगी। मतलब आपको पशुपालन का, पशुओं के बारे में काफी इंटरेस्ट है और ये अच्छा भी लगता है आपको करके? हाँ। तो बहुत बहुत ये जनरली मैं आपको बता दूं थोड़ी इसकी हॉबी आपको। हाँ जी। जनरली ये लेट उठता है, 5-6 बजे उठता है। हाँ जी। लेकिन मुझे कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाना हो ना, हाँ जी, सुबह मिल्किंग के लिए, जैसे मैंने महेंद्रगढ़ बोल दिया 5 बजे सुबह मिल्किंग पे आऊंगा, तो उस दिन ये मेरे से पहले उठ जाएगा 3 बजे, पापा मुझे मिल्किंग पे चलना है साथ में। अच्छा अच्छा। महेंद्रगढ़ जाने के लिए मिल्किंग पे उठ के जाएगा और स्कूल टाइम से पहले कवर करके आ भी जाएगा। तो इंटरेस्ट ही तो है वो, तो मैं उसके इंटरेस्ट को कहने मतलब इसको उससे भगाना नहीं चाहता, इंटरेस्ट तो करो भाई, दिक्कत क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोफेशनल है। बिल्कुल। और जो हम इतना साफ सुथरा ढंग से अपना काम कर रहे हैं, जितेंद्र जी 20 साल लगाए हैं, और अभी हमारी जब लगे एज है, इसमें कोई रिटायरमेंट तो है नहीं। बिल्कुल। ये तो ऐसा काम है, अपने तकत पे बैठे रहो, 70 साल की उम्र हो जाओ उस टाइम लगे अनुभव और भी हो जाएगा। बिल्कुल। और अच्छा टाइम पास है ना, कोई इसमें हार्ड वर्क है। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट का काम है, लाइफ का काम है, जब लगे हमारे सांस इतना इसमें चलता रहेगा। बिल्कुल। तो इसका इससे बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी या ट्रेनर जगह इसको मिल भी नहीं सकती, इतना अच्छा ग्राउंड इसको यहाँ पे मिलेगा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही है। तो सुजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उम्मीद है आपका लड़का भी काफ़ी अच्छा नाम कमाए और कुछ नया हमें सीखने को मिले, पशुपालन भाइयों को या किसानों को कुछ नया इनसे भी सीखने को मिले, आपकी इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी।